कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है? ये सबसे पहले हम लोग पिक्चर्स स्टार्ट करते हैं। बुक में कुछ पिक्चर्स दी हुई है, टोटल 3 पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देखते हैं। पेज नंबर 57 देखिए, पहले पिक्चर में एक गर्ल है, एक लड़की है, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस है, प्रिया इज सिंगल। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पिक्चर में दो लड़के हैं, दो में एक टपली है, एक थोड़ा सा मोटी है, और उसके नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है प्रियंका, प्रियंका इज थिनर देन प्रिया। पढ़ते हैं तीसरे पिक्चर में। तीसरे पिक्चर में आपको तीन लड़कियां मिलेंगी, उनमें नीचे लिखा हुआ है पायल इज द थिनेस्ट ऑफ द थ्री। पायल इज द थिनेस्ट ऑफ द थ्री। अब आइए इन तीनों सेंटेंस को थोड़ा और अंदर से देखते हैं। सबसे पहला प्रिया इसे थिंग, यहां पर जो पहली पिक्चर में गर्ल है उसका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया के बारे में क्वालिटी बताई गई है, क्या क्वालिटी बताई गई कि प्रिया एक थिन गर्ल है, एक पतली लड़की है। प्रिया एक पतली लड़की है, यहां पर थिन जो है आपका ये एडजेक्टिव है। प्रिया के बारे में बता रहा है, उसका बता रहा है वो पतली लड़की। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर बढ़े तो अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रियंका इज थिनर देन प्रिया। यहां पर दो लोग आ रहे हैं, एक प्रियंका आ रहा है और दूसरी मामा आ रहा है प्रिया आ रहा है, दो लड़कियां, क्योंकि अगले पिक्चर में आप देखेंगे दो लड़कियां। इन दो लड़कियां में एक पतली है और एक क्या है, थोड़ा सा मोटी है। तो लिखा हुआ प्रियंका इज थिनर देन प्रिया, सबसे पहले लिखा है प्रिया क्या है, पतली लड़की है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में लिखा गया है प्रियंका जो है प्रिया से भी पतली। यहां चिंता ये हो गया था थिनर। तीसरे पिक्चर में देखे जो तीन गर्ल्स हैं, तीन गर्ल्स के लिए जो सेंटेंस लिखा गया वो लिखा है पायल इज द थिनेस्ट ऑफ द थ्री। यहां पर किसकी बात हो रही है? पायल की बात हो रही है। पायल की बात की जा रही है किससे? थ्री से, यानी जो तीनों लड़कियां हैं तीनों लड़कियों में किसकी बात की जा रही है? पायल। इन तीनों में से पायल के बारे में थीनेश्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा पतली। तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपके एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में किस बात में बता रहे हैं? प्रिया के बारे में बता रहा है थिनर, प्रियंका के बारे में बता रहा है थिनर, पायल के बारे में बता रहा है थीनेश्ट, तो ये नाउन के बारे में बता रहे हैं या एडजेक्टिव है। यहां पर अगर देखें थिन था ये थिनर हो गया, थीनेश्ट हो गया, सेम एडजेक्टिव था लेकिन अलग अलग फॉर्म में यूज हो रहा है। कितने फॉर्म में यूज हो रहा है? 1, 2, 3, तीन अलग अलग फॉर्म में यूज हो रहा है। तो याद रखिए यहां पर एडजेक्टिव जो है तीन अलग अलग फॉर्म में यूज किया गया है। अब अगर इन्हें देखें तो इसमें केवल एक लड़के की बात बात हो रही है, जब एक लड़के की बात बात हो रही है तो क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है? थिन। दूसरे सेंटेंस में देखें, दूसरे सेंटेंस में दो लड़कियां प्रियंका है और
पीला है, इसमें दो लड़कियों की बात हो रही है, दो लड़कियों ने प्रियंका के बारे में, इन दोनों ने प्रियंका के बारे में बताया गया कि प्रियंका जो है प्रिया से ज्यादा थिन है, ज्यादा पतली है। तीसरे सेंटेंस में देखें पायल की बात हो रही है, पायल के बारे में क्या बताया जा रहा है, पायल जो है इन तीनों लड़कियों जो कि तीसरे पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले लड़की आपकी प्रिया है, दूसरी आपकी प्रियंका है और तीसरी क्या है पायल है, और पायल देखेंगे सबसे ज्यादा पतली है। तो पायल के बारे में बताया जा रहा है कि इन तीनों लड़कियों में कौन कौन सी, प्रियंका, प्रिया और पायल, इन तीनों में पायल ही सबसे ज्यादा छोटी लड़की है। तो इस सेंटेंस में एक पर्सन का यूज किया गया है, इस सेंटेंस में दो पर्सन का यूज किया गया है और इस सेंटेंस में दो से ज्यादा पर्सन का यूज किया गया है। तो याद रखिए जब हम एक पर्सन का यूज करते हैं तो ऐसे में इस सेंटेंस को बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, और जब सेंटेंस में दो पर्सन का यूज किया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड में यहां पर दो से ज्यादा पर्सन का यूज किया गया है, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और इन्हीं तीनों डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को, तीनों को एक साथ बोला जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या बोला जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये पूछा जाए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी होती है तो आप बताएंगे तीन होती है, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अगर कोई पूछता है पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं तो बता रहे हैं जब किसी एक पर्सन का यूज किया जाता है और उसके बारे में कोई एक क्वालिटी बताई दी जाती है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। कोई पूछे कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बताइए जब दो पर्सन की बात होती है दोनों पर्सन में किसी एक पर्सन को किसी एक पर्सन के बारे में हायर डिग्री बताई जाए या लोअर डिग्री बताई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि दो में से किसी एक को बड़ा या छोटा बताया जाता है, ऐसे में उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ये बताया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा पर्सन का यूज किया जाता है या दो से ज्यादा पीपल का यूज, दो से ज्यादा थिंग्स का यूज किया जाता है और इनमें से किसी एक को सबसे ज्यादा हायर डिग्री या सबसे लोअर डिग्री, लोएस्ट डिग्री का दिखाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाया जाता है या सबसे ज्यादा नीचे। यहाँ पर अगर पायल की बात की जाए तो पायल को सबसे पतला दिखाया जा रहा है इन तीनों में। तो पॉजिटिव डिग्री में 1% का यूज किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री में 2% का यूज किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा% का यूज किया गया है। यही आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव के फॉर्म का यूज किया गया है, एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म का यूज किया गया है, इसी वजह से इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बारे में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को और डीप में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।